हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल कंप्लीट डेंचर। इसमें सिंगल डेंचर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कन्वेंशनल डेंचर की तरह अपर और लोअर डेंचर दोनों एक साथ नहीं दे रहे हैं, सिंगल डेंचर दे रहे हैं। या दे रहे हैं नेचुरल टीथ प्रेजेंट है कुछ, उसके अगेंस्ट में दे रहे हैं, या फिर आरपीडी कोई पहले से बना हुआ है उसके अगेंस्ट में दे रहे हैं, या पहले से पेशेंट एक डेंचर पहन के आया हुआ है सिंगल, और उसके अगेंस्ट आप सिंगल डेंचर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सिंगल डेंचर कंस्ट्रक्शन मुश्किल है कन्वेंशनल अपर लोअर जो डेंचर बना के दे रहे हैं उससे, क्योंकि ऑक्लूजन इसमें पहले से प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है ऑक्लूजन देनी है। अगर आप कन्वेंशनल कंप्लीट डेंचर की बात करते हैं तो आप टीथ सेटिंग के टाइम पे अपने अकॉर्डिंग आप ऑक्लूजन देते हैं, तो इसमें मेथड भी मुश्किल है, ट्रीटमेंट भी मुश्किल है, प्रोग्नोसिस भी डिफिकल्ट है। उसके रीजन क्या है? ऑक्लूजल फोर्सेस बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल दांत पहले पेशेंट के मुंह में नेचुरल दांत से खा रहा था, अब नेचुरल दांत की जगह उसके अगेंस्ट नेचुरल टूथ के अगेंस्ट में डेंचर जा रहा है, तो वो ऐसे ही कोशिश करेगा, वो ऑक्लूजल फोर्सेस उतने ही लगाएगा जितने वो नेचुरल दांत में लगा रहा था, और जो म्यूकोसा है वो उठा ही नहीं पा रहा है इतने ऑक्लूजल फोर्सेस का लोड। उसके बाद भी ऐसा इतना सुपर इरप्शन हो गया है। देखिए दांत की क्या टेंडेंसी है, हमारा मुंह बंद होता है जहां दांत से दांत टकराते हैं, तो अपर लोअर क्या है, नीचे अपर वाला दांत जो है वो नीचे वाले दांतों से मिलन पे बंद होता है, वहां पे बंद होंगे जहां पे दोनों दांतों का मिलन होगा। अब नीचे के दांत प्रेजेंट नहीं है तो ऊपर वाला दांत जो है वो ढूंढ रहा है कहां गया नीचे वाला दांत, तो वो नीचे आने लगता है उसको ढूंढते हुए, तो क्या होता है ऊपर वाला दांत नीचे आ जाता है, ऑक्लूजल प्लेन जो पहले ऐसे होनी चाहिए थी वो अब क्या है ऐसे हो जाती है, तो सुपरा इरप्शन हो गया। तो ऐसे इस केस में क्या होगा, ऑक्लूजन देना मुश्किल होगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो और तो चौथी चीज क्या है, तीसरी क्या है, सुपरा इरप्शन, फोर्थ क्या है, मेसियल ड्रिफ्टिंग हो जाती है। देखिए ये क्या है, मैंडिबुलर आर्च है, इसमें क्या एंटीरियरली आगे मीजियल जो है इडेंचुलर स्पेस है, तो पीछे वाला जो दांत है वो आगे आने लगता है, तो उसमें क्या होगा, वो दांत जो पहले ऐसे था अब वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, तो अब इस दांत के लिए स्पेस कम बची है। इन सब केस सिनारियों में मुश्किल होता है हमें उसके ऑपोजिट ऑक्लूजन देना। तो ये सब केसेस में प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम, इसमें क्या है आपको ऑक्लूजल प्लेन जो है नेचुरल टूथ के अगेंस्ट सेट करना पड़ेगा, और फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि इतने हैवी ऑक्लूजल फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस केस में आपका डेंचर भी फ्रैक्चर हो सकता है, तो आप उसमें कास्ट मेटल डेंचर बेस दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे जब पेशेंट आपके पास आएगा, चेक करेंगे उसके दांत जो है नेचुरल दांत कितने प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, कैसी क्रॉस बाइट है, कितना कस्प का स्टीप है, जितने कस्प स्टीप होंगे उसी अकॉर्डिंग जो है आप दांत बना के देंगे। ऐसे नहीं दे सकते हैं कि नीचे के तो शार्प कस्प के दांत है, ऊपर आपने क्या है नॉन एनाटॉमिक जीरो डिग्री कस्प के दांत दे दिए, तो इसमें क्या होगा ऑक्लूजन नहीं आएगा, पेशेंट खा नहीं पाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग क्या है आप लोग ऑक्लूजन सेट करेंगे, या फिर कोई दांत टिप हुआ हुआ है या नहीं हुआ है, एक्सट्रूड हुआ है नहीं हुआ है, रोटेशन भी चेक करेंगे। तो दो केसेस होते हैं, या तो ऊपर जो है दांत प्रेजेंट हों, मैक्सिला में आपके पास टीथ प्रेजेंट है, और मैंडिबल में क्या है डेंचुलस है, मैंडिबल में आपको डेंचर बना के देना है। ये केस जो है बहुत कम प्रेजेंट होता है, बहुत कम मिलता है ये। इसमें क्या है, नीचे जो सरफेस एरिया है डेंचर का, जो मैंडिबुलर डेंचर आप कंस्ट्रक्ट करके देने वाले हैं उसका सरफेस एरिया कम है, म्यूकोसा थिन है, तो इस केस को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आप ओवर डेंचर दे सकते हैं मैंडिबल में, या फिर नीचे इम्प्लांट में इम्प्लांट्स डाल के इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर दे सकते हैं, वो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ओवर डेंचर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, या रेजिलियंट डेंचर लाइनर्स डाल के दे सकते हैं। दूसरा केस जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है, उसके अंदर क्या है आपके पास मैक्सिलरी जो है वो डेंचर बना के देना है, और मैंडिबल में आपके पास दांत कुछ प्रेजेंट है। मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ जो होते हैं वो सबसे लास्ट में गिरते हैं, तो ये केस आपके पास सबसे फ्रीक्वेंट होता है कि पेशेंट आता है पीछे मैंडिबल में पोस्टीरियरली डेंचुलस है, आगे क्या है एंटीरियर में कुछ दांत प्रेजेंट है, और मैक्सिला जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली डेंचुलस है।
इस केस में एस्थेटिक लाना बहुत मुश्किल है, तो कैसे ला सकते हैं, या तो आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, या फिर क्राउन को ग्राइंड कर दीजिए, या फिर जो कम नीचे की हाइट के उनको रिस्टोर कर दीजिए। बैलेंस्ड ऑक्लूजन इस केस में आप सिर्फ सेंट्रिक में लेके आएंगे, ईसेंट्रिक में नहीं लेके आएंगे। तो जो जिस सिचुएशन की मैंने बात की थी कि एंटीरियर जो है मैंडिबल में प्रेजेंट है, ये इसका रिजल्ट क्या होता है कि रिजॉर्प्शन हो जाता है, बोन लॉस होता है, लूजनिंग होती है, फ्रैक्चर होता है डेंचर बेस का, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्बिनेशन सिंड्रोम, जो हम आगे बात करेंगे। कॉम्बिनेशन सिंड्रोम केली का है, ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आरपीडी और सीडी जो आपने देने हैं दोनों सेम टाइम पे दीजिए। आरपीडी ऐसा दीजिए कि जिसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, स्ट्रेस जो है कम लगे, फोर्सेस जो है कम लगे। तो तीन सिनेरियो, तीन सिचुएशंस बनती हैं आपकी। एक सिचुएशन है जिसके अंदर आप मैक्सिलरी डेंचर बना के दे रहे हैं, मैंडिबल में क्या प्रेजेंट है, एफपीडी लगा हुआ है, मैंडिबल में क्या है, आरपीडी के साथ, जो सबसे कॉमन आता है पेशेंट मैंडिबल में आरपीडी के साथ बहुत कॉमन आता है, या फिर पेशेंट पहले से मैंडिबल में डेंचर पहन के आया हुआ है, सीडी के साथ आ रहा है, और इसमें आपको ओपोजिंग मैक्सिला में डेंचर बना के देना। तो एफपीडी के केस में जो है, इसमें अगर पेशेंट पोर्सिलिन के क्राउन लगे हुए हैं, इसमें आप पोर्सिलिन के ही ऊपर डेंचर में दांत लगा के देंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो पहले ऑक्लूजन स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग ऊपर के सीडी में भी ऑक्लूजन वैसे ही देंगे। अगर आपके स्टीप कस्प है तो आप स्टीप कस्प ही लगाएंगे, आप एनाटॉमिक दांत ही देंगे। आरपीडी की बात करते हैं अगर, तो नीचे जो है एक्रिलिक के दांत लगे हुए हैं तो आप ऊपर भी एक्रिलिक के ही दांत लगा के देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप ऑक्लूजल प्लेन करेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप टूथ अरेंजमेंट करेंगे। अगर पेशेंट पहले से सीडी पहन के आया तो सबसे पहली चीज आप चेक करोगे कि पेशेंट जो है वो इमीडिएट डेंचर वियरर तो नहीं है। अगर उसने इमीडिएट डेंचर, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, इमीडिएट डेंचर वियरर है तो आप उसको कन्वेंशनल डेंचर में कन्वर्ट करके दोनों भी दे सकते हैं। अगर वो ठीक है तो आप उसके अगेंस्ट में क्या है, अपर डेंचर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सुपरा इरप्शन हो जाती है ना, टिल्टिंग हो जाती है, टिपिंग हो जाती है। तो सबसे बड़ा इशू क्या आता है, सबसे बड़ा इशू होता है ऑक्लूजल एडजस्टमेंट करना, ऑक्लूजन को ठीक करना, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोस्टोडोंटिस्ट ही कर सकता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि पढ़ते हैं कैसे हम ऑक्लूजल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके तीन मेथड है। सबसे पहली टेक्निक है स्वेंसन टेक्निक। सबसे पहली टेक्निक है स्वेंसन टेक्निक। स्वेंसन टेक्निक में क्या करते हैं, कन्वेंशनल सीडी में जैसे करते हैं, फेसबो लिया, फिर उसके बाद सेंट्रिक रिलेशन लिया, सेंट्रिक रिलेशन को माउंट कर दिया सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर पे, हनाऊ पे, उसके बाद प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड ली, उसके बाद कॉन्डाइलर गाइडेंस सेट किया एल इज इक्वल टू एच बाई 8 प्लस 12 से, और अब जो आप मैक्सिलरी टीथ सेटिंग सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर पे शुरू कर रहे हो, एक एक दांत स्टार्ट करते रहो और नीचे मैंडिबल में उसके अगेंस्ट में जितने भी दांत आपके एडजस्ट करने हैं साथ साथ एडजस्ट करते रहो, लेकिन पेंसिल से मार्क कर दो, वो ट्रिम करते रहो, पेंसिल से मार्क करते रहो, ठीक है। तो जो आप उसके अकॉर्डिंग आपने एक ऑक्लूजन प्लेन, एक अच्छा ऑक्लूजन सेट कर लिया, अब जो नेचुरल जो कास्ट पे चेंजेस किए हैं वो नेचुरल टीथ में चेंजेस कीजिए, वो चेंजेस करने के बाद नया एक और इंप्रेशन लीजिए, फिर दोबारा से सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड लीजिए, फिर लोअर जो कास्ट है उसको जो नए इंप्रेशन से कास्ट आया है उसको दोबारा माउंट कीजिए, और थोड़े बहुत माइनर करेक्शन दोबारा जो अपर के मैक्सिलरी टीथ सेटिंग में करनी है वो कीजिए, और फिर पेशेंट का ट्राइन कीजिए। एक तो हो गया आपका स्विंसन टेक्निक। सेकंड टेक्निक आपकी है यूर्कताज। यूर्कताज टेक्निक। यूर्कताज टेक्निक में आप क्या करते हैं, इसके अंदर मेटल का एक टेम्पलेट होता है, ऑक्लूजल प्लेन का एक मेटल का ना ऐसा टेम्पलेट होगा, थोड़ा सा कर्व्ड होता है ये, जैसे कर्व ऑफ स्पी के अकॉर्डिंग मैंडिबल हमारे दांत ऐसे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, कर्व होता है। तो देखिए अगर आपके ये दांत हैं तो इस प्लेट पे मेटल के टेम्पलेट पे सारे के सारे दांत के कस्प, इनसाइजल सर्फेसिस, कस्प टिप सब टच करने चाहिए। अगर टच नहीं कर रहे हैं तो पेंसिल से मार्क के एडजस्टमेंट कर दीजिए, और वही एडजस्टमेंट जो है फिर आप नेचुरल दांत में करेंगे। थर्ड टेक्निक की बात करते हैं, वो है ब्रूस टेक्निक। ब्रूस टेक्निक में क्या करते हैं, आप एक्रिलिक का एक टेम्पलेट बना देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते हैं। अब एक्रिलिक का टेम्पलेट बना दिया, उस टेम्पलेट में जो दांत टच नहीं कर रहा है उस टेम्पलेट पे उसको रिस्टोर कर दिया, और जो दांत ओवर निकल रहा है उसको हमने क्या है, ट्रिम कर दिया। तो ये आपकी होगी
ऑक्लूजल एडजस्टमेंट्स. अगर आप इंप्रेशन की बात करते हो तो हमें मिनिमली डिस्प्लेसेबल टिश्यूज प्रेजेंट है, फ्लैबी टिश्यूज प्रेजेंट है, उस केस में हमें क्या है, कम से कम प्रेशर डालना है. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटसन की विंडो टेक्निक, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फ्लैबी रिज के अंदर मैंने आपको 5 टेक्निक्स पढ़ाई थी. अगर आपको याद हो तो वो टेक्निक्स जो है आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. तो इसमें क्या करते हैं, आप जहां जहां पे आपका फ्लैबी टिश्यू है इसमें एक विंडो बना देते हैं. देखिए, जो आपका स्पेशल ट्रे है उसके अंदर आपने छेद कर दिया, ठीक है, विंडो बना दिया, इसलिए उसको विंडो टेक्निक बोलते हैं. अब बगल के आसपास की सारी एरिया की बॉर्डर मोल्डिंग कर दी, और जो विंडो बनाई है उसके अंदर क्या है, आप म्यूकोस्टैटिक इंप्रेशन मटेरियल से इंप्रेशन लेते हैं, म्यूकोस्टैटिक इंप्रेशन टेक्निक यूज करते हैं. या तो आप इंप्रेशन प्लास्टर यूज कर लीजिए, या फिर आप लाइट बॉडी यूज कर लीजिए, ठीक है. इन सब से आप इंप्रेशन लेने के बाद कास्ट पोर करते हैं. तो इसमें क्या है, डिस्प्लेस नहीं होगा टिश्यू, कम से कम डिस्प्लेस होगा. अगर आप एंटीरियर टीथ सेटिंग की बात कर रहे हैं तो एंटीरियर टीथ सेटिंग हम लोग हमेशा एस्थेटिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं. और आप क्या करोगे, अगर आपको हनाउस क्विंट याद है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप एडजस्टमेंट करोगे. आपको डीप ओवरबाइट बिल्कुल भी नहीं रखनी है. अगर आप डीप ओवरबाइट रखोगे तो क्या होगा, स्ट्रेसेस ज्यादा होंगे. तो आप अगर ओवरबाइट को कम करेंगे तो स्ट्रेसेस कम पड़ेंगे, तो स्टेबिलिटी आएगी आपके डेंचर के अंदर. उसके बाद आप क्या है, ओवर जेट बढ़ाओगे. ओवरबाइट क्या होती है, ऐसा बाइट हो रहा है, ये देखिए ये बाइट हो रहा है, जैसे अपर है ये मैक्सिलर या एंटीरियर, ये क्या है मैंडिबुलर एंटीरियर. तो कितना ओवरलैप हो रहा है, ओवर बाइट क्या है, वर्टिकल ओवरलैप. हॉरिजॉन्टल ओवरलैप जितना होगा वो क्या होगा, ओवर जेट होगा. तो ओवर जेट जो है वो तो आपको बढ़ानी है, यानी कि अगर जो पहले दांत आप अगर आप ऐसे लगाने वाले थे उनको आप थोड़ा दूर लगाएंगे तो ओवर जेट बढ़ा दी. ओवर बाइट जो है, जो पहले क्या है इतने रखने वाले थे उसको अब आप क्या है इतना रखेंगे. तो ओवर बाइट जो है आप वो कम करेंगे, ओवर जेट जो है वो बढ़ा देंगे, और डिक्रीज कर देंगे इंटर इंसाइजल गाइडेंस एंगल, ठीक है. ओपोजिंग दांत अगर आपके प्रेजेंट हैं बहुत स्टीप कस्प के, अगर कस्प बहुत स्टीप है तो उस केस में आप 33 डिग्री जो है एनाटॉमिक दांत देंगे. अगर आपके कस्प जो है शैलो है तो आप 20 डिग्री के दांत लगाएंगे, और अगर फ्लैट है तो आप 0 डिग्री के नॉन एनाटॉमिक दांत देंगे. ईसेंट्रिक बैलेंसिंग की बात करते हैं. ईसेंट्रिक रिकॉर्ड जब आप लेंगे तो फंक्शनल च्यूइंग टेक्निक से लेंगे. फंक्शनल च्यूइंग टेक्निक का मतलब है कि फंक्शन में जो है च्यू कर रहे हैं, फंक्शनल, यानी जब पेशेंट च्यू करेगा, फंक्शनल अपनी मूवमेंट्स करेगा, तो उसमें आपका डेंचर जो है स्टेबल होना चाहिए. तो फंक्शनल च्यूइंग टेक्निक के अंदर सबसे पहले जो होगा, रिकॉर्ड बेसिस आपके स्टेबल होने चाहिए, और मसल जो है वो फोर्स लगा के डिस्प्लेस नहीं करे डेंचर को. तो सबसे पहला आता है स्टैंसबरी टेक्निक. स्टैंसबरी टेक्निक के अंदर क्या है, ये इट्स लाइक न्यूट्रल जोन. न्यूट्रल जोन भी क्या करता है कि हमारा जितना टंग की प्रेशर है, जितना टंग के फोर्सेस लग रहे हैं, उतने ही क्या है चीक से फोर्सेस लग रहे हैं. तो हमारी मसल जितने भी फोर्सेस लगा रही है वो इक्वल हो जाए. यहां से जितना फोर्स लग रहा है और चीक से जितना फोर्स आ रहा है, वो दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, डेंचर जो हमारे दांत है, डेंचर है, वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, वो उसी पोजिशन में रहेगा. तो हमारा इसमें भी यही मोटिव है कि हमारा डेंचर और टीथ जो है डिस्प्लेस ना करें, उसी पोजिशन में रहे जब पेशेंट फंक्शनिंग मूवमेंट कर रहा है. तो स्टैंसबरी टेक्निक में आप क्या करते हैं, स्टैंसबरी न्यूट्रल जोन में आप क्या कर रहे थे, इंप्रेशन कंपाउंड से क्या है लोअर डेंचर बेस के ऊपर आप रिम बना रहे थे और फंक्शनल मूवमेंट करवा रहे थे पेशेंट को, सकिंग ये सब मूवमेंट्स करवा रहे थे, फंक्शनल मूवमेंट्स. तो जब फंक्शनल मूवमेंट करेगा पेशेंट तो एक जोन बन जाएगी, यानी टंग से और चीक से जहां पे फोर्सेस इक्वल आ रहे हैं वो पतला एक एरिया बन गया, उस एरिया के अंदर ही आप दांत लगा के देंगे. तो अगर हम लोग बात करते हैं ईसेंट्रिक बैलेंस फंक्शनल च्यूइंग टेक्निक में, हम लोग सिंगल सीडी में कैसे लेते हैं, सबसे पहली टेक्निक है स्टैंसबरी टेक्निक. इसमें आप क्या करते हो, अगर ये आपका डेंचर बेस है तो ऊपर आप क्या है बीच में इंप्रेशन कंपाउंड डालते हो, जैसे कि न्यूट्रल जोन में डाला था, और उसकी साइड में आप क्या करते हो, यहां पे लिख देते हैं इंप्रेशन कंपाउंड डालते हो, और साइड में इसमें आप क्या डाल रहे हो, इसको स्क्रेप कर दिया. इंप्रेशन कंपाउंड अगर आपने इतना थिक का लिया था तो लेबियल और लिंगुअल स्क्रेप करने के बाद आपने यहां पे कार्डिंग वैक्स डाल दी, और फिर आप क्या है फंक्शनल मूवमेंट करवा रहे हो. तो इंप्रेशन कंपाउंड जो है वो तो वीडी चेक कर रहा है, और कार्डिंग वैक्स
वो फंक्शनल मोल्डिंग करा रही है, इसके बाद फंक्शनल मूवमेंट रिकॉर्ड करते हो। सेकेंड टेक्निक की बात करते हो तो विग्स टेक्निक है। विग्स टेक्निक है, विग्स टेक्निक में क्या होता है, कंपाउंड की जगह पे एक्रिलिक रेजिन ले लेते हैं। थर्ड क्या है, शेरी टेक्निक है। शेरी टेक्निक में आपने क्या लिया है, सॉफ्ट वैक्स की रिम ली है। फोर्थ क्या है और लास्ट आपकी रूट्स टेक्निक है। रूट्स टेक्निक में आप क्या लेते हैं, बीच में तो मान लीजिए डेंचर बेस है आपका, तो बीच में आप ले रहे हैं बेस प्लेट वैक्स, जो आपकी रेड कलर की बेस प्लेट वैक्स होती है वो ही। तो हम रेड कलर की बनाते हैं इसको, बीच में आप क्या लेते हैं, बेस प्लेट वैक्स लेते हैं, ठीक है। और साइड में आप क्या लेते हैं, रेड काउंटूड वैक्स लेते हैं। ये इसकी तरह ही है, स्टैंसबर्ग की तरह ही है। स्टैंसबरी में आपने क्या किया था, बीच में आपने इंप्रेशन कंपाउंड लिया था और साइड में आपने क्या ली थी, कार्डिंग वैक्स। विग में आपने क्या लिया है, इंप्रेशन कंपाउंड की जगह पे आपने क्या लिया है, एक्रिलिक रेजिन। और शेरी टेक्निक में आपने सॉफ्ट वैक्स लिया है और रूड टेक्निक्स में आपने बेस प्लेट वैक्स और साइड में क्या है, रेड काउंटूड वैक्स। हम लोग बात करते हैं सिंगल कंप्लीट डेंचर में, जो सबसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स को थ्योरी में, नीट में सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपका कॉम्बिनेशन सिंड्रोम। तो आइए कॉम्बिनेशन सिंड्रोम की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन सिंड्रोम दो लोगों ने दिया था, एक आपका दिया था टिलमैन ने सबसे पहले, हालांकि इसको कैली सिंड्रोम बोलते हैं, और दूसरा दिया था कैली ने। टिलमैन ने कैली से पहले दिया था 1961 में, लेकिन टिलमैन ने क्या बोला था कि लोअर डेंचर जो है हम लोग देते हैं अपर आरपीडी के अगेंस्ट, यानी कि पेशेंट आपके पास लोअर में एडेंचुलस आए और ऊपर में आरपीडी पहन के आए, ये जो था ये बहुत कम सिचुएशन में होता है, इसीलिए हम लोग बात करते हैं कैली की। कैली ने किसमें दिया था, 1972 में दिया था। इसमें क्या है, अपर कंप्लीट डेंचर पहन के आ रहा है और लोअर में आपके कुछ नेचुरल दांत प्रेजेंट है। तो कैली ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसको हमने बोल दिया कैलीज हाइपोथेसिस। कैलीज हाइपोथेसिस वो कि उसने क्या बोला, सबसे पहले बोन रिजॉर्प्शन होती है, कहां से स्टार्ट होती है, देखिए अब ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। एक बार कैली ने बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट किया मैक्सिलरी एंटीरियर रीजन से, मैक्सिलरी एंटीरियर में सबसे पहले उसने बोला बोन रिजॉर्प्शन होती है, फिर बोन रिजॉर्प्शन होती है मैंडिबल में जहां पे पेशेंट ने आरपीडी पहना हुआ है। ये ऐसे बोल रहा है, कैली ने ऐसे बोला कि क्योंकि नीचे मैंडिबल में तो फिर भी दांत प्रेजेंट है तो रिजॉर्प्शन क्या है, थोड़ा लेट से हो रही है, लेकिन मैक्सिला में क्या है, ईडेंचुलर स्पेस है पूरा का पूरा कंप्लीटली, इसलिए मैक्सिला क्या है, एंटीरियर मैक्सिला में एंटीरियर रीजन में सबसे पहले बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट होती है, उसके बाद मैंडिबुलर आरपीडी में, उसके बाद जो है मैक्सिलरी डेंचर जो है, क्योंकि ये रिजॉर्प्शन पैटर्न ऐसे हो रहा है तो मैक्सिलरी डेंचर जो है वो ऊपर से आगे से तो ऊपर उठ जाएगा और पीछे से नीचे खिसक जाएगा, यानी कि मैक्सिलरी डेंचर अपवर्ड मूव करता है एंटीरियर रीजन में और पोस्टीरियर रीजन में डाउन मूव करता है। तो इस वजह से क्या है, पीपीएस एरिया में पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया में एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। देखिए अगर आप डेंचर की बात करते हैं तो फल्क्रम लाइन कौन सी है, लास्ट दांत की है हमारा, अगर ये अपर मैक्सिलरी डेंचर है तो फल्क्रम लाइन ये होगी, तो फल्क्रम लाइन पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, उससे क्या हो गया, एनलार्ज्ड ट्यूबरोसिटी हो गया, यानी जो ट्यूबरोसिटी एरिया है नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो बढ़ गया है, तो इसमें क्या हो गया, एनलार्ज्ड ट्यूबरोसिटी हो गया, एनलार्ज्ड ट्यूबरोसिटी और पैपिलरी हाइपरप्लेसिया हो गया सॉफ्ट टिश्यू में, ये तो हार्ड टिश्यू में हो गया, पैपिलरी हाइपरप्लेसिया हो गया सॉफ्ट टिश्यू में, ये बोला था कैली ने। उसके बाद सौंदर ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया, कैली का हाइपोथेसिस क्या है, बोन रिजॉर्प्शन मैक्सिलरी एंटीरियर से स्टार्ट हो रही है फिर मैंडिबुलर आरपीडी में जा रही है और फल्क्रम लाइन की वजह से क्या है, रिजॉर्प्शन की वजह से फल्क्रम लाइन जो है उसकी वजह से पोस्टीरियर चला जाता है, फल्क्रम लाइन के पोस्टीरियर में क्या है एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है पीपीएस एरिया में, जिसकी वजह से एनलार्ज्ड ट्यूबरोसिटी हो गया और पैपिलरी हाइपरप्लेसिया हो गया। और उसके बाद एक हाइपोथेसिस दिया सौंदर ने जो हाइपोथेसिस दिया उसने क्या बोला कि हमारा जो इवेंट है वो कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले लॉस होगा मैंडिबुलर पोस्टीरियर रीजन में, मैंडिबुलर पोस्टीरियर में हमारे पास सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है ऑक्लूजन लोड्स कम हो गए हैं पोस्टीरियर रीजन में, और
इंक्रीज हो गए हैं। अब पेशेंट जो आगे से चबा रहा है, देखिए पीछे पोस्टीरियर में पेशेंट के पास दांत नहीं है, मैक्सिला मैंडिबल में उसके पास एंटीरियर दांत प्रेजेंट है, तो वो एंटीरियर दांतों से चबाने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से क्या है, इंक्रीज लोड हो गया एंटीरियर में, तो इंक्रीज लोड हो गया है ऑक्लूजन लोड एंटीरियर में, उसकी वजह से इंक्रीज्ड प्रेशर हो गया है और रिजॉर्प्शन होने लगा है एंटीरियर रिज का, इस वजह से क्या है एंटीरियर रिज रिजॉल्व होने लगी है। तो देखिए दोनों दोनों का हाइपोथेसिस जो है अलग अलग है, सौंदर का और कैली का। कैली ने क्या बोला था कि बोन रिजॉर्प्शन होगी पहले मैक्सिलरी एंटीरियर रीजन में, फिर मैंडिबुलर आरपीडी में, फिर उसके बाद मैक्सिलरी डेंचर जो है ऊपर आगे से नीचे ऊपर खिसकने लग जाएगा, एंटीरियर में है जो मूव अपवर्ड होगा और पोस्टीरियर में क्या है डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, तो उस वजह से पोस्टीरियर पैटल सी ले जो फलक्रम लाइन है उसके अकॉर्डिंग उसके पीछे पोस्टीरियरली क्या है एक प्रेशर जनरेट हो गया, तो पीपीएस एरिया में एक नेगेटिव प्रेशर हो गया, जिस वजह से क्या उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से एनलार्ज ट्यूबरोसिटी होगी और पैपिलरी हाइपरप्लेसिया हो गया। और सौंदर ने क्या बोला कि हमारा लॉस जो हो गया है पोस्टीरियर दांतों का, उसकी वजह से पीछे पोस्टीरियरली क्या है सपोर्ट कम है, पोस्टीरियरली सपोर्ट कम है तो पोस्टीरियरली ऑक्लूजन लोड भी कम है, तो एंटीरियरली पेशेंट खा रहा है क्योंकि उसके पास एंटीरियर मैंडिबुलर दांत प्रेजेंट है, तो एंटीरियरली ऑक्लूजन लोड बढ़ गया और इस वजह से प्रेशर बढ़ गया और इस वजह से एंटीरियर जो है रिज की रिजॉर्प्शन आगे से ज्यादा हो रही है। तो कॉम्बिनेशन सिंड्रोम को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, या तो हमारे पास पीछे जितने भी दांत प्रेजेंट हैं जो वीक दांत हैं उनको एंडो ट्रीटमेंट करके पेरियो ट्रीटमेंट करके उनको एज अ अबटमेंट दांत यूज करके बचा सके, या फिर आप इम्प्लांट डाल दीजिए, या आप एक मोलर की किसी भी रूट को एम्प्यूटेट करके और प्रिजर्व कर दीजिए और उसको एज अबटमेंट यूज कर लीजिए, या फिर आप ओवरले डेंचर बना दीजिए, या आप फंक्शनली जनरेटेड पाथ जो है दे दीजिए। प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो फेसबो ट्रांसफर, जो टिलमैन ने बोला था कि फेसबो और फेसबो ट्रांसफर करके एक्यूरेटली कंसीव्ड ऑक्लूजन, उसने एक टर्म दी थी क्या वो ऑक्लूजन एक अच्छी ऑक्लूजन तो है दे दीजिए, तो उस वजह से क्या होगा कॉम्बिनेशन सिंड्रोम नहीं होगा, अच्छी ऑक्लूजन होगी तो ऊपर नीचे उठेंगे नहीं जो हमारा डेंचर है, या फिर आप प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी करके पहले पैपिलरी हाइपरप्लेसिया हटा दीजिए एंड लास्ट ट्यूबरोसिटी हटा दीजिए। तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन सिंड्रोम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समराइज करते हैं, तो कॉम्बिनेशन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है एंटीरियर, क्योंकि सब चीजें आगे ही हो रही हैं, एंटीरियर बोन रिजॉर्प्शन हो रही है, एंटीरियर में फ्लैबी रिज बन रही है, एंटीरियर में फ्लैबी टिश्यू बन रहा है, ठीक है, तो एंटीरियर हाइपर फंक्शन, एंटीरियर में ऑक्लूजन लोड बढ़ गए हैं, हाइपर फंक्शन सिंड्रोम, ठीक है, कैली ने दिया था ये 1972 में। इसके अंदर क्या हुआ है, बोन लॉस हो गई है डिस्टल आरपीडी में, डिस्टल आरपीडी में बोन लॉस हो गई है, उस वजह से क्या है हमारा पीछे पोस्टीरियरली ऑक्लूजन लोड्स कम हो गए हैं, एंटीरियरली ऑक्लूजन लोड बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन हो गई है, रिजॉर्प्शन ऑफ एंटीरियर मैक्सिला। अब इस रिजॉर्प्शन की वजह से हमारी जो फलक्रम लाइन है उसमें रोटेशन होने लगी है कस्पिड बाय कस्पिड रीजन में, जिसकी वजह से क्या है एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, कहां पे पीपीएस में, पोस्टीरियर टू द फलक्रम लाइन जो है एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया पीपीएस में, जिस वजह से एनलार्ज्ड ट्यूबरोसिटी हो गई है और पैपिलरी हाइपरप्लेसिया हो गया पैलेट का, जिस लेबियल फ्लैंज जो आगे लेबियल फ्लैंज है मैक्सिलरी डेंचर का वो क्या करने लगा है इरिटेट करने लगा है लेबियल म्यूकोसा को, तो इपिलियस फिशर एटम भी हो सकता है और लोअर एंटीरियर दांत जो है वो सुपरा इरप्ट करने लगते हैं। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है कॉम्बिनेशन सिंड्रोम एंड सिंगल कंप्लीट डेंचर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है नोट्स डाले हैं आप उस पर क्लिक करके नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए डेंटल पाठशाला।